और गैस हम अरे लोग भी कुछ अरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ का आइडिया नहीं है कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है करके। हम इसे बड़ी बोतल नहीं है, ये कितने वाली है? तो गैस मेरे को ना गांव की हैबिट हो गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गैस अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, और मैं अभी छत में आ गया हूँ क्योंकि अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और गैस मैं आ रखा हूँ पश्चिम बंगाल। तो गैस जब से हम यहाँ पर आ रखे हैं तो कहीं घूमने का नहीं हो पा रहा है, मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। और गैस गाँव में रह के तो मैं कभी यहाँ जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ, कभी ये कभी बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आ रखा हूँ ना, इन्हीं कमरों में बंद के रह गया हूँ। मैं भी वैसा ही हो गया हूँ, सिस्टर भी कहीं नहीं जा पा रही है, बच्चे भी कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, तो हम सभी लोग कमरों में अंदर बंद के रह गए हैं। तो गैस मेरे को ना गाँव की हैबिट हो गई है। पहले जब कोरोना से पहले मैं भी नोएडा में जॉब करता था, तो लाइफ कुछ ऐसी थी वहाँ पे भी हमारी, हम कहीं जा नहीं पाते थे। संडे को बस मॉल जाना हो पाता था, उसके सिवा हम कहीं जाते नहीं थे, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। तो यहाँ पर आके मुझे नोएडा वाले दिन भी याद आ रहे हैं कि हम कमरों में ही रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। तो उन्हीं दिनों को मैं आजकल फील कर रहा हूँ। और गैस अभी छत में ना बहुत तेज़ की धूप हो गई है, और गैस वैसे ना मेरा छत में आने का मन कर रहा है, बैठने का मन कर रहा है, लेकिन छत में ना मकान मालिक ने फुलवारी कर रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो गए छत में चारों ओर गमले गमले हैं, तो बैठने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ना बहुत तेज़ की धूप आ गई है, और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा है, तो अभी मैं जाता हूँ नीचे। और हम लोगों ने गैस नाश्ता भी कर लिया है, और गैस आज संडे है तो आज जवाई जी का भी ऑफ है। और गैस जब भी मैं छत में आ रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर एक टीन का बना हुआ जहाज़ दिख रहा है, तो इसको देख के ना काफ़ी अच्छा फील आ रहा है मेरे को। और गैस थोड़ी देर छत में रहा तो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है, तो सबसे पहले अभी नहा लेता हूँ। और गैस अभी मैं आ गया हूँ कमरे में, और कमरे में आके ना काफ़ी ठंडा हो रखा है, बाहर तो बहुत तेज़ की धूप हो रही है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। तो ये रहे जवाई जी। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। और आज इनका ऑफ है संडे। और बच्चे बच्चे कहाँ हैं हमारे? और ये रहे हमारे बच्चे, ये बात इनको तो कपड़े खोलने हैं अपने। ये बाल में रबड़ लगाऊंगी, इधर बैठ, रबड़ लगाऊंगी, खोलूंगी खोलूंगी, नारा ये देखो नारा। और गैस बहू कह रहा है मेरे कपड़े खोलो, मतलब ये बच्चे ना दिन भर नंगे रह रहे हैं, तो मुझे ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा जब ये लोग नंगे रह रहे हैं, क्योंकि नंगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो बनाने पा रहा हूँ इनके साथ रह के, क्योंकि हर टाइम ये लोग नंगे हो जा रहे हैं। और गैस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कल नोटिस करी, गैस हमारे कमरे के आगे रेल की पटरी है, तो कल मैंने यहाँ पे देखा एक गाय मरी हुई है। ये देखो यहाँ पर एक गाय मरी हुई है, शायद ये ट्रेन के आगे से आगे होगी। और गैस ये गाय मैं कल से देख रहा हूँ, लेकिन किसी ने इसको फेंका नहीं है। और गैस अगर ये गाय सड़ जाएगी यहीं पर तो बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, तो यहाँ पर रहने का नहीं हो पाएगा। अगर कोई इसको देख लिया, किसी को अगर पता होगा, तो इसको फेंकवा देगा तो सही रहेगा ये। और गैस हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ का आइडिया नहीं है कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है करके। हमने मकान मालिक को बता दिया, तो वो कह रहे थे कि इसको नगर पंचायत के लोग आके फेंक जाएंगे, लेकिन कल से ये गाय पड़ी है, और इनका तो बस ड्रामा है इसको बच्चों देखो, का। ये तो इसकी जब से आवाज बैठी है सोच रहा है बस मैं आकर राजा हूँ, राजा चल देना और है। अभी बच्चों का खाना भी आ गया है, अच्छा ठीक है, यहाँ ठीक बनी है खिचड़ी बच्चों के लिए। मतलब इसको मारना डंडा था। बाल पूरे कैसे हो गए हैं? बाल भी बनाने कैसे हो? पूरे दाने हो गए पीछे। और गैस इस कमरे के जस्ट आगे से रेल की पटरी है, तो यहाँ पे हर 10 या 20 मिनट में ट्रेन जा रही है, और ट्रेन इतना हल्ला कर रही है ना, तो हमें सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम रात को सो रहे हैं और ट्रेन की आवाज़ से उठ जा रहे हैं, बच्चे भी उठ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो नींद का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। और गैस फिर से एक ट्रेन आ गई यहाँ से, देखो। और गैस फाइनली मैंने नहा धो भी लिया है, और मैं आ गया हूँ कमरे में। और गैस नहाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर तो बहुत तेज़ की धूप निकली हुई है। और गैस ना यहाँ अचानक से मौसम ख़राब हो जा रहा है, अचानक से बहुत तेज़ तेज़ की बारिश आ जा रही है, तो अभी तो मौसम ठीक ही है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। और गैस हमारा प्लान था घूमने जाने का सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हमने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। आज संडे था, सोचिए आज घूमने जाएंगे, तो नहीं जा रहे वहाँ पर भी। और गैस फिर से एक ट्रेन आ गई है, और कमरे में ही बच्चे आ गए हैं, और बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं। क्या हो गया? चल चल आगे चलो, आगे चलो। और सिब्बू यहाँ पर रुक गया, तो बैबू रो रहा है, ये फंसी गाड़ी। और गैस बच्चों के लिए परसों पहुँच गए, टीवी भी लगाई है, उसको स्मार्ट टीवी बनाया है, ताकि बच्चे यहाँ पे कार्टून देख लें, लेकिन बच्चों को कार्टून नहीं देखने हैं, बच्चों को तो सिर्फ लड़ाई करनी है। और बच्चे गाड़ी के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, जो गाड़ी बैबू को चाहिए वो सिब्बू को चाहिए, जो सिब्बू को चाहिए वो बैबू को चाहिए। तो गैस देखो ये हमारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि बिना कपड़ों के चल रहे हैं। तो गैस मैंने भी बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, शादी के बाद तो गैस मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई,
अपने बच्चे हुए, फिर सिस्टर के बच्चे हुए, और गैस बच्चे भी ऐसे हो रखे हैं परेशान करने वाले। मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सिस्टर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारे घर में जितने बच्चे हैं सब परेशान करते हैं, और इतना परेशान करते हैं ना कि मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और गैस अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। तो गैस जब से हम यहाँ पर आ रखे हैं तो हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है, तो अभी जा रहा हूँ मैं दुकान कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। और गैस हमारे यहाँ पर ना जो मकान मालिक है उनका कुत्ता बहुत भयंकर का है, ये देखो ये शेर जैसा कुत्ता है इनका। तो अभी कुत्ते को अंदर बंद कर दिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में। और गैस कुत्ता बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन ना काटने को नहीं आ रहा है, लेकिन इसको देख के डर काफ़ी लग रही है। और गैस अभी मैं आ गया हूँ गली में, तो जो दुकान है वो जस्ट आगे से ही है, तो मतलब यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। हेलो अंकल जी, एक फेंटा दे देना। तो गैस अभी मैं आ गया अंकल जी की दुकान में फेंटा ले जाने के लिए, और बाहर बहुत धूप हो रही है। इसे बड़ी बोतल नहीं है, ये कितने वाली है? ये तो 40 वाली होगी सर। तो गैस अभी मैंने फेंटा ले ली है, और अभी मैं जा रहा हूँ कमरे की तरफ को, और ये फेंटा है 100 रुपये की। और गैस फेंटा लेके मैं आ गया हूँ घर के अंदर। तो गैस जो दुकान है ना ज़रा दूर नहीं, पास में ही है। और गैस मैंने यहाँ पर फेंटा रख ली है गिलास में, और अभी आधी फेंटा बची हुई है। और गैस हम लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो अभी मैं आ गया हूँ कमरे में आगे की तरफ को, और यहाँ पर शिवांशु मेरे गोद में आ गया है, और शिवांशु ने ना फिर से टी शर्ट खोल दी है, और शिवांशु ने जो पैजामा पहनी हुई है तो ये भी खोलने के चक्कर में है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? और गैस यहाँ पर चली है टीवी, तो बच्चों को ना टीवी से कोई मतलब नहीं है, और बच्चों के चक्कर से हमारा घूमने का प्लान भी कैंसिल हो गया। हमने सोचे थे घूमने जाएंगे, बच्चों ने सब पानी फेर दिया प्लान में हमारे। और यहाँ पर बैबू लेटा हुआ है उषा की गोद में, और इसको 2 घंटे से उषा ने ऐसे सुला रखा है लेकिन सो नहीं रहा है। हाँ इतने बिगड़ गए ना बच्चे, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, तो इन बच्चों ने हमारा घूमने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। और कैसे अगर हम बच्चों को घुमाएंगे ना फिर ये बिगड़ ही आएंगे, तो इनको ज़्यादा मुनी लगाना है, इनको कमरे के अंदर ही रखना है, क्योंकि मैं तो चले जाऊँगा कल परसों या कुछ दिन के बाद, फिर उषा अकेले ही इन 2 बच्चों को मैनेज करेगी, और अगर इनको अभी हम घुमाने लग जाएंगे ना फिर ये बिगड़ जाएंगे। और अभी यहाँ पर शिवांशु भी आ गया है, और दिन भर इनको चुस्की चाहिए, और नंगे घूमते हैं दिन भर ये। और गए जैसे हमारे आगे से ट्रेन जा रही है ना, तो भाग भाग के आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ट्रेन दिखाओ करके। और अभी ये भी आ गया है, हेलो ये बैबू, बैबू आँख दिखाना, आँख दिखाना। और गए अभी बज रहे हैं 3:00, तो हमारा भी लंच बन के रेडी हो गया है, तो आज खाने बना रखे हैं जवाई ने, दाल चावल और साथ में सलाद, और बच्चे भी अभी सो गए हैं, तो थोड़ी घर का शांति हो रही है। और गए गांव में क्या होता है ना, हम लोग 12-1 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 बजे खाना, 3-4 बजे हम लोग लंच कर रहे हैं, तो यहाँ टाइम का बिल्कुल पता चल रहा है कि सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कुछ ऐसा सीन है बंगाल का। और गए अभी बज रहे हैं 5:00, और अभी बाहर बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, दिन में तो बहुत तेज़ की धूप थी, लेकिन अचानक से मौसम बना और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, अब बारिश भी बहुत तेज़ की हो रही है। और गए अभी हमारे सारे बच्चे भी उठ गए हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं, तो हेलो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, घूमी घूमी जाओगे? ओ सिब्बू घूमी घूमी चलें, चलें घूमी घूमी, ठीक ठीक। और गए अभी रात हो गई है, और रात के 7 बज रहे हैं, तो अभी ना बारिश बंद हो गई है बाहर को, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और क्या हो गया, चलो इसको पकड़ ले, इसको पकड़। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं मार्केट, और आज हम बाहर ही खाना खाएंगे, चलो इसको पकड़ो, ले इसको पकड़। चाबी कहाँ है, मैं लाइट बंद कर दूँगा पीछे की। और गैस अभी हम लोग आ रखे हैं कोलकाता बाजार में, जो कि लोकल का ही एक ब्रांड है, जैसे हमारा वी मार्ट विशाल मेगा मार्ट होता है ना, वैसे यहाँ पर एक कोलकाता बाजार नाम से एक मार्ट जैसा है। तो हम बच्चों के कपड़े लेने के लिए आ रखे हैं, तो भी यहाँ पर उषा बच्चों के लिए कपड़े ढूंढ रही है, और अभी उषा लोग तो बच्चों के लिए कपड़े देख रहे हैं, तो मैं भी अपने लिए कुछ देख लेता हूँ। तो इस साइड को बॉयज़ का है, और यहाँ पर 30% डिस्काउंट है, इस साइड को 50% डिस्काउंट है, तो अगर मेरे को भी कुछ पसंद आएगा तो मैं भी यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा। अच्छा वजो 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 वजो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, नहीं नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है,
मारना नहीं है सिब्बू, नहीं और गैस बच्चों के लिए सामान ले लिया, तो अभी हमारे यहाँ लेडीज बियर में इस साइड को बच्चे खेल रहे हैं, इनको ऐसा ही चाहिए पूरा खुला खुला। हाँ बेटा आपका नहीं है, छोड़ो उसको छोड़ो, चलो आगे चलो चलो आगे चलो चलो। और गैस हम लोग भी घर पहुंच रहे हैं, और घर में आते हैं ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है। तो गैस हम बच्चों के लिए कपड़े लेके आए हैं, एक ये लिए है, एक ये लिया है, एक ये लिया है और एक लिया है। तो गैस जिस मार्ट में हम गए थे वहाँ ना कपड़े बढ़िया हैं, और बच्चों के लिए कपड़े लेके आए हैं। मेरे लिए भी कपड़े थे लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने भी अपने लिए कपड़े लिए नहीं। तो जब मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो एक दो टी शर्ट मेरे लिए लेके जाऊँगा, और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो कमरे में आते ही ना गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर तो थोड़ी बहुत ठंडा था लेकिन कमरे में आते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।